गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं और गैसों का विनिमय, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस क्रम में हमने ह्यूमन बींग्स के लंग्स का स्ट्रक्चर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, मानव में श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, ये पूरा डिटेल हम आज पढ़ेंगे। तो वायुमंडल से शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने और अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने, यानी वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन गैस है ना, शुद्ध वायु का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जिस वायु में ऑक्सीजन है उसको फेफड़े तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन को फेफड़े को देना है, प्लस पूरे बॉडी में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाके उसको फिर बाहर निकालना है। इस क्रिया को संवातन या श्वासोच्छास ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, श्वासोच्छास, ओनली श्वासोच्छास, ब्रीदिंग। ओके, फेफड़े जो है वो वक्षी गुहा में होते हैं। वक्षी गुहा में क्या होता है, रिप्स होता है, केज होता है, और इसके अंदर एक ये केज बना लेता है। रिप्स से क्या बनता है, यहाँ पर वक्षी गुहा में एक केज बन जाता है, उसके अंदर फिर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर ये जो है वो मेरुदंड की हड्डियां हैं, और यहां से निकलकर ये रिप्स इसको चारों तरफ से घेरे रहती है ना, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक केज बन गया, और इसके अंदर ये जो है वो डायफ्राम है, यहाँ पर जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये हमारा लंग्स है। तो दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड एक लंग्स होता है, और बीच में यहाँ पर जो है वो हार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर वक्षी गुहा में फेफड़े जो है वो स्थित होते हैं, और ये जो दोनों क्रियाएं हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया माने ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वक्षी गुहा के आयतन पर निर्भर करता है। वक्षी गुहा एक पिंजरे के समान होता है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर एक केज बन जाता है रिप्स के कारण, इसके आगे की तरफ गर्दन, पीछे की तरफ डायफ्राम, पृष्ठतल पर कशेरुकदंड माने है ना, नीचे की तरफ डायफ्राम और पीछे की तरफ कशेरुकदंड, आधार तल पर स्टर्नम, और पार्श्व में, दोनों पार्श्व में राइट एंड लेफ्ट जो साइड होता है इसमें पसलियां होती हैं। डायफ्राम जो है वो गुंबदनुमा होता है, ये हम डायफ्राम देख रहे हैं हल्का सा, ये इस प्रकार है ना मुड़ा हुआ होता है, और इसमें मसल्स पाए जाते हैं रेडियल क्रम में, अरी क्रम में मसल्स पाए जाते हैं। मानव में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ठीक है, ये पृष्ठ तल पर कशेरुक दंड से निकलती है और अधर तल पर स्टर्नम से यहां पर जुड़ती है। प्रत्येक दो पसलियों के बीच में दो प्रकार की यहां पर मसल्स अंतरापार्श्विक पेशियां क्रॉस के रूप में होता है, जैसे एक पसली यहां से निकला, एक पसली यहां से निकला ऐसे, और दोनों के बीच में इस प्रकार क्रॉस टाइप का पेशियां होती हैं। ठीक है, तो ये जो पेशियां हैं वो अंतः अंतरापार्श्विक पेशियां और बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां। तब संचालन की जो क्रिया होती है वो दो चरणों में होती है, निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन, निः इंस ठीक है अंदर करना, फेफड़ों में बाह्य वातावरण से वायु भरना, ऑक्सीजन युक्त वायु को भरने की जो क्रिया होती है उसको निःश्वसन है ना, निह नहीं, नी यहाँ पर निह दिया है, यहाँ निह नहीं आएगा, निःश्वसन, निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन कहेंगे। निःश्वसन के दौरान बाह्य जो अंतरापार्श्विक पेशियों का संकुचन के फलस्वरूप पसलियां जो है वो आगे वक्ष के आगे और बाहर की ओर खींचती है। पसलियों से की इस गति के कारण स्टर्नम जो है वो नीचे की ओर झुककर सीधा हो जाता है, और पसलियों के खींचने से डायफ्राम की जो रेडियल पेशियां हैं उसमें भी संकुचन उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसका जो गुंबद के समान जो आकार है वो चपटे रूप में यानी फ्लैट टाइप का हो जाता है, जिससे वक्षी गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। वक्षी गुहा के आयतन के बढ़ने के साथ साथ फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर भीतर जो है वायु का दबाव कम हो जाता है, और एक बल, सक्सेशन बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वायुमंडल का वायु जो है वो श्वसन पथ से होता हुआ फेफड़े में भीतर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार निःश्वसन एक सक्रिय क्रिया, एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें वायु मार्ग अगर हम देखें तो सबसे पहले नासा द्वार से वायु अंदर आता है, फिर नासा गुहा में आंतरिक नासा छिद्र से होते हुए ग्रसनी, घाटी, श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनिकाएं, वायुकुपिका वाहिनी, वायुकुपिका कोष, और फिर वायुकुपिकाओं में जाता है। इस प्रकार जो है वो निःश्वसन की क्रिया, इंस्पिरेशन की क्रिया होती है। दूसरी क्रिया होती है उच्छ्वसन या निःश्वसन, एक्सपिरेशन, एक्स मतलब बाहर निकलना। ठीक,
तो फेफड़ों से अशुद्ध वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ में ऑक्सीकरण के कारण बनता है उसको बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन, हिंदी में थोड़ा सा बोलना दिक्कत होता है, एक्सपिरेशन ठीक है कहते हैं। सामान्य दशाओं में एक्सपिरेशन जो है वो बिना किसी पेशी संकुचन के ही होते रहता है। केवल जो बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां हैं और डायफ्राम में शिथिलन होता है उसी से ही पसलियां, स्टर्नम और डायफ्राम जो है अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है और वक्षी गुहा के आयतन पर दबाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के एक्सपिरेशन को निष्क्रिय श्वसन यानी पैसिव एक्सपिरेशन कहा जाता है। निष्क्रिय उच्च श्वसन या एक्सपिरेशन के विपरीत मनुष्य जब परिश्रम करता है, मेहनत करता है, दौड़ता है, खेलता है, है ना, साइकिलिंग करता है या एक्सरसाइज करता है और लंबी लंबी सांसें भरता है तब जो है इंस्पिरेशन की गति बढ़ जाती है। यानी कि हमारे बॉडी में फिर उस समय एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक एटीपी ऊर्जा का निर्माण करने लगता है यानी ऑक्सीजन डिमांड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। उस समय सक्रिय जो एक्टिव एक्सपिरेशन होता है, इस समय याद रखना एक्टिव मीन्स एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता और निष्क्रिय मीन्स वहां पर एटीपी की आवश्यकता नहीं है। हमारे बॉडी में जो भी क्रिया हो रही है उसमें एक्टिव और इनएक्टिव जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो एटीपी ऊर्जा के लिए ही करते हैं। तो सक्रिय या एक्टिव एक्सपिरेशन के अंतर्गत अंतरापार्श्व पेशियों के संकुचन से पेशियां जो है वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है, स्टर्नम ऊपर की ओर खसक कर अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है और इस दशा में वक्षी गुहा का आयतन कम हो जाता है और उतना ही रह जाता है जितना कि इंस्पिरेशन के पहले था। इसी समय डायफ्राम की सिकुड़ी हुई पेशियों में शिथिलन होता है जिसके कारण वह अधिक चपटा न रहकर मनुष्य के गुंबद के आकार का हो जाता है और इस प्रकार डायफ्राम और पसलियों के सामूहिक प्रयास से वक्षी गुहा का आयतन घट जाता है जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है जिससे कि ये पिचक जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है वो बाह्य नासा छिद्र से होकर बाहर निकल जाता है। तो ये तो था श्वसन की क्रियाविधि।